आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम के काफी सारे टॉपिक हैं, जिनमें से आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि सबसे बेसिक टॉपिक है। हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, और वो दो हिस्से आगे फर्दर हिस्सों में डिवाइडेड है। इस पूरी जो डिवीजन का मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाया है, होपफुली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो जो के हैं टाइप्स कह लें, डिविजन्स कह लें, क्लासिफिकेशन कह लें, तो कौन सी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड ने बनाया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जिस तरह से नर्व्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्नर नर्व हो गई, फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ से लॉन्ग थोरेसिक नर्व हो गई, इस तरह से जितनी भी हमारे पास नर्व निकल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेक्सस से, वो सारी नर्व कौन सी हैं और वो सारा नर्वस सिस्टम कौन सा है, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब CNS की बात वहां तक खत्म हो गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो सारा सेक्शन है और जो सारा सिस्टम है, जो कि बहुत ही रैपिडली हमारे जितने भी सिग्नल्स वगैरह हैं अप एंड डाउन ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर जो हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक उस नर्व सप्लाई को किस तरह से कनेक्ट करना है, CNS को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो वो किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इस वजह से हमने ये दो डिविजन्स किए ताकि उन दोनों को अलहदा अलहदा किया जा सके। अब जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपको पता है यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी अपने हाथ की फ्लेक्शन करनी है, तो फ्लेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले एफरेंट मोटर भेजना पड़ता है, और जो कि हमारे पास इसका जो आपने आर्क पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये बात तो पता है जिस जगह से फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपके पास ब्रेन के अंदर सिग्नल आते भी हैं जाते भी हैं, ये बात तो आप सबको क्लियर होगी, ब्रेन के अंदर सिग्नल आते भी हैं जाते भी हैं। इफेरेंट कौन से सिग्नल्स हैं? जो कि हमारे पास जा रहे हैं, वो जाके चीज़ों पर इफेक्ट करते हैं, चीज़ों से काम निकलवाते हैं, जबकि एफेरेंट वो हमारे पास नर्व्स हैं जो कि सेंस करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपको सर्दी लग रही है, या फिर आपको गर्मी लग रही है, या फिर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है क्या है, या आपको कुछ भी कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने सेंस की है, और उसके हिसाब से बॉडी को रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जांपल जब सर्दी लगती है तो फिर क्या रिस्पॉन्स होता है? आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड और जो कैपिलरीज होती हैं कैपिलरीज श्रिंक कर जाती हैं, ताकि कैपिलरीज के अंदर ब्लड ना जाए, क्योंकि उसके अंदर अगर ब्लड गया तो क्लॉट हो जाएगा। अब जो हमारे पास इफेरेंट है, इफेरेंट दो में डिवाइड हो गया, कौन से? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आपको ये बात पता है कि हम जब चलते हैं, वॉकिंग को ले लो एग्जाम्पल, तो हम अपनी मर्जी से वॉक करते हैं, जब हमारा दिल चाहेगा हम वॉक करेंगे, ये नहीं है कि हमारा अपने आप कोई टाइम है उस टाइम हमारे पैर खुदी खुदी चलने लग जाते हैं, वो मतलब हमारे कंट्रोल में है। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे कंट्रोल में है, कोई भी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में चल रही हैं, वो भी उसको भी सिग्नल देने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कौन सी चीज़? इफेरेंट मोटर न्यूरॉन्स। इफेरेंट मोटर न्यूरॉन्स की कौन सी चीज़? सोमैटिक। अभी जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या है? वॉलेंट्री चीज़ों को कंट्रोल करता है, और वॉलेंट्री चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, आपके लिए सिग्नल्स पास ऑन करता है। कौन से सिग्नल? एफेरेंट सिग्नल्स। अब ऑटोनॉमिक, अच्छा अब आपको पता है ये एफेरेंट है, तो एफेरेंट क्या करता है? आपको आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑर्डर देता है। तो सोमैटिक क्या करेगा? खाली ऑर्डर देगा और स्टिमुलेट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हाथ फ्लेक्स कराना है, वो आपके बाइसेप को ऑर्डर देगा कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करो, और हैंड फ्लेक्स हो जाएगा, तो उसने क्या किया? ऑर्डर दिया, और ये वॉलेंट्री काम कराता है, और खाली इसके अंदर मोटर पाथवे होता है, वापस सेंसरी पाथवे इसके पास कोई भी नहीं हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और ये थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू द सोमैटिक। इसमें एक काफ़ी खास चीज़ है जो सोमैटिक में नहीं है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा सकता है,
तो वॉलेंट्री काम कराता है, वॉलेंट्री काम कर रहा है वो, आप जब उसको ऑर्डर करोगे तो वो करता है। ऑटोनॉमिक में क्या है, उसमें आपको ऑर्डर देना नहीं पड़ता, वो अपने उसमें ये कैपेबिलिटी है, वो खुद ही जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जब आप सोते हो तो सोते वक्त आपकी जो कि बॉडी को जिंदा रखने में कौन सी चीज़ हेल्प कर देती है, तो वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपकी अगर हार्ट बीट कंटिन्यूसली चल रही है तो उसका रीज़न है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और अगर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन करने का ऑर्डर नहीं देना पड़ता, उसका भी क्या रीज़न है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन शॉर्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने हम सबकी जिंदगियाँ आसान की है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो फर्दर डिविजन्स हैं, पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हम काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारे जो कि मेन रोल प्लेयर और मेन मुश्किलात पैदा करने वाले लोग आते हैं, पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक, जिसको हमने CVS में भी पढ़ा था, डाइजेशन में भी पढ़ा है और भी काफ़ी सारी चीज़ों में हम उसको पढ़ते हुए आते हैं, रेस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा है कोई। अच्छा, ये जो दो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, ये जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर दोनों का सप्लाई होगा। ये नहीं होगा कि कोई ऐसा ऑर्गन आपको मिले जिसके अंदर खाली सिंपैथेटिक सप्लाई हो, हर किसी के पास आपको पैरासिंपैथेटिक सप्लाई भी मिलेगा और सिंपैथेटिक भी मिलेगा। और इनका काम क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक अगर बढ़ाता है तो पैरासिंपैथेटिक घटाता है, पैरासिंपैथेटिक बढ़ाता है तो सिंपैथेटिक घटाता है। तो ये जो है हमारे पास किसकी डिविजन्स है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। और ये हमारे पास एक और डिविजन है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के नर्वस सिस्टम को हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर भी डिस्कस किया है, वो क्या डिफरेंस है, वो ये है कि जो कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री चीज़ों को संभालता है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस को संभालता है, और जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो वॉलेंट्री चीज़ों को संभालता है, वॉलेंट्री चीज़ों में रोल प्ले करता है, इम्पल्स का ट्रांसफर करता है। डिफरेंस ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब जैसे कि आपको पता है कि इनवॉलेंट्री चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो इनवॉलेंट्री चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा, या फिर आप एक वर्ड में अगर जवाब देना चाहते हैं तो जितने भी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द स्केलेटल मसल। अब जो कि हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो सारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ये भी आपको उस पहले पॉइंट से पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वॉलेंट्री चीज़ है तो वॉलेंट्री चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं, और मोस्ट ऑफ द वॉलेंट्री एक्ट जो कि हम करते हैं वो सब मसल की ही मदद से करते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक बड़ा डिफरेंस है जो कि जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, पाथवे डिफरेंस। हमारे पास जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके पास जो पाथवे है वो क्या कंटेन करता है, दो न्यूरॉन की चेन कंटेन करता है, जबकि सोमैटिक जो हमारे पास पाथवे है वो सिंगल न्यूरॉन चेन पे डिपेंडेंट है। और जो हमारे पास टू न्यूरॉन चेन है उसका क्या सेटअप है, किस तरह से बनी हुई है, वन इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड द अदर इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अभी जो हमारे पास टू चेन न्यूरॉन है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले एक गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, प्री से आपको पता है पहले, पोस्ट से आपको पता है बाद में। इस पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी, ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पाथवे दिखाया जा रहा है जो इसमें टू चेन पाथवे हैं, दो न्यूरॉन्स हैं, एक हमारे पास कौन सा न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियोनिक है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक है। अच्छा, यहाँ पे हमने सिंगल उठा के दिखा दिया है, वैसे ये बहुत बड़े क्लस्टर के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक है उसके ऊपर माइलिनेटेड शीथ मौजूद होती है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक के पास कोई शीथ नहीं होती। ये एक और पिक्चर है, इसमें भी यही दिखाया जाता है जा रहा है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और
उस किस तरह से वो दोनों न्यूरॉन्स जो के एक चेन बनाकर बैठे हुए हैं। जो हमारे पास न्यूरॉन होता है उसके अंदर जो के है अपर पार्ट जो है जो गोल सा है वो बॉडी होती है, बीच वाला एक्सॉन होता है और उसके बाद डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले क्या आता है, बॉडी आती है, फिर उसके बाद एक्सॉन, फिर डेंड्राइट्स जो कि किसके हैं, प्री गैंग्लियोनिक के। फिर वो जो डेंड्राइट्स हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो बॉडी से कनेक्ट होते हैं। किसके बॉडी से कनेक्ट होते हैं, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बॉडी से कनेक्ट होते हैं। और फिर एक्सॉन आ जाता है जो कि सीधा सीधा आता है और आके कहाँ पे टारगेट सेल के अंदर अपने डेंड्राइट्स को फिक्स कर देता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास एक ही न्यूरॉन पाथवे है, जैसे कि मैंने पीछे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ाते हुए बताया है, और इसके अंदर थिक माइलिनेटेड कवरिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो माइलिनेटेड कवरिंग है ये क्या चीज़ है। एक्चुअली इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक हमारे पास पड़ा हुआ है न्यूरॉन सेल जिसके ऊपर जो के है बॉडी है और अंदर न्यूक्लियस है, जो भी है न्यूक्लियस वगैरह है, ज़्यादा लिबनिंग यहाँ पे हुई भी है। वैसे ये क्या है, सेल बॉडी है। उसके बाद एक्सॉन है, एक्सॉन के बाद सबसे लास्ट में ये आप रूट्स की तरह, किसी प्लांट की रूट के जैसा आपको फील हो रहा होगा, ये डेंड्राइट्स हैं। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट वाली पिक्चर है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेड रेड ब्लॉक्स बने हुए, तीन ब्लॉक बने हुए। ये जो ब्लॉक है ना ये क्या है, माइलिनेटेड कवरिंग है। ये कवरिंग का क्या मकसद है, इसका क्या काम है, इसका रोल ये है कि जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स है ना इसको स्पीड अप करती है। अगर आपको ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स जल्दी करवाना है या जिस जगह से ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स जल्दी हो रहा है तो उसका क्या रीज़न होगा कि उसके ऊपर माइलिनेटेड कवरिंग है। और ये आपके पास राइट साइड पे एक और पिक्चर है जिसके अंदर पूरा आपको न्यूरॉन दिखाया गया है विदाउट माइलिनेटेड कवरिंग। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ये लास्ट डिफरेंस है जिसके अंदर हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहा है, एसिटाइल कोलीन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज़ है, इट इज़ अ केमिकल, ऐसा केमिकल है जो कि हमारे मसल्स को इनिशिएट करता है या किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करता है, आप इस तरह से कह सकते हैं। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब हमारे पास नर्व है, नर्व सीधा एक सिग्नल लेके आती है, तो अब ये नर्व है, नर्व से लेके मसल तक सिग्नल के ट्रांसफर करने का जो मेथड है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है जो कि हमें हेल्प कर रहा है नर्व से ऑर्गेन या मसल तक सिग्नल पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब इसका मेथड ऑफ एक्शन भी मैं इसी पॉइंट में बता देता हूँ। मेथड ऑफ एक्शन आप अलग करके डिफरेंस लिख सकते हैं, तो अगर आपका टीचर ज़्यादा पॉइंट्स देखना चाहते हैं और अगर आप पॉइंट वाइज कर रहे हैं तो आप इसको डिफरेंट में लिख सकते हैं। क्या है, इट कैन स्टिमुलेट एज वेल एज इनहिबिट। हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें पता है स्टिमुलेट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, हार्ट बीट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास एसिटाइल कोलीन रिलीज करता है, उसके अलावा कुछ भी रिलीज नहीं करता, और ये खाली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मसल को ताकि जी हमारे पास मूवमेंट हो। इसमें कोई इनहिबिटरी वगैरह का सिस्टम नहीं है, ये खाली स्टिमुलेट करता है। ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, अल्लाह हाफिज़।